हेलो बच्चों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं भगवती पांडे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी सितीज का जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता। हम इसके पहले भाग में प्रसाद जी के जीवन के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाल चुके हैं। अब कि प्रेमचंद जी के ने अपनी हंस पत्रिका के लिए आग्रह किया कि आत्मकथा विशेषांक छापा जा रहा है, अतः आप भी अपने विषय में कुछ लिखें। लेकिन हम कविता को पढ़ करके पाएंगे कि कवि कहते हैं कि उनका जीवन निराशा से, असफलता से भरा हुआ है, अतः वे अपने जीवन की कमियां लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने इस कृति की रचना की है। देखिए, आत्मकथ्य, आत्म मतलब अपने विषय में, कथ्य माने होता है कथन। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब यहाँ पर दो अर्थ हैं, मन रूपी भंवरा। मधु का सामान्य अर्थ भंवरा होता है, किंतु यहाँ पर मन रूपी भंवरा। गुनगुना कर अपनी यह कौन सी कहानी कह जाता है, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मेरे जीवन के घने वृक्ष की, मेरे जीवन रूपी वृक्ष की घनी पत्तियाँ आज मानो मुरझा कर गिर रही हैं। कि प्रसाद जी का कहना है कि मन रूपी भंवरा गुनगुना कर अपनी यह कौन सी कहानी कह जाता है, क्योंकि मेरे जीवन रूपी वृक्ष की घनी पत्तियां आज मुरझा कर गिर रही हैं। लाक्षणिक अर्थ यह है कि कवि को यह पता है कि उनका जीवन जो है समा अवसान की ओर है, अतः उन्होंने इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन के विषय में बताया है कि उनके जीवन रूपी वृक्ष की घनी पत्तियां मानो मुरझा कर गिर रही है। अर्थात उनका शरीर क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब कवि अगले वाले काव्यांश में कह रहे हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर माने गहरे अनंत नीलिमा जिसका अंत न हो, अर्थात इस गहरे संसार में जो इस जो विस्तृत संसार है, गहरे का तात्पर्य है विस्तृत, फैला हुआ, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। नीलिमा वैसे आकाश से तात्पर्य है यहाँ पर, लेकिन यहाँ संसार को मानेंगे हम, कि इस विस्तृत संसार में असंख्य जीवन क्या हो गए हैं, इतिहास बन गए हैं। असंख्य जीवन इतिहास बन गए हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। फिर भी ऐसा लगता है कि ये अपना ही उपहास करते रहते हैं। कौन? जो असंख्य जीवन इतिहास हैं, जिनके विषय, जिन्होंने अपने विषय में आत्मकथ्य लिखे हुए हैं, वो भी कोई सार्थक नहीं है। क्योंकि जब उनकी आत्मकथा को लोग पढ़ते हैं, तो उनकी आत्मकथा को पढ़ करके लोग उनका क्या करते हैं, उपहास करते हैं। तो कवि का तो मानना है कि उनके जीवन में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसको वे आत्मकथा के रूप में लिख सकें। अतः कह रहे हैं कि इस विस्तृत संसार में अनेक जीवन इतिहास बन गया, अर्थात अनेक लोगों ने जन्म लिया और जन्म के बाद वे इतिहास हो गए हैं, क्योंकि उनका वो जो है उनकी जीवनी या उनकी यह कथाएं लिखी गई हैं। और ये फिर भी लोग अपना क्या करते रहते हैं, आत्मकथा लिख करके अपना उपहास कराते रहते हैं। और उनके जीवन में तो क्या है, अनेक दुर्बलताएं हैं, अतः वे अपना उपहास नहीं कराना चाह रहे।
तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी, तब भी उसके उपरांत भी जब अनेक लोगों का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, तब भी तुम आप यह कहते हो कि मैं अपने ऊपर बीती हुई दुर्बलताएं, कमजोरियां, अपने जीवन की कमियां कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर थी, तुम इसे सुन करके कोई सुख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे जीवन रूपी गागर जो है वह खाली है, मेरे जीवन की गागर रीति, रीति का तात्पर्य है खाली, मेरे जीवन रूपी घड़ा जो है वह खाली है, उसमें कुछ नहीं भरा है। क्योंकि आपको पता है घड़े में जिस तरह से पानी भरा रहता है, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में उसके विभिन्न खट्टे मीठे अनुभव भी भरे हुए होते हैं। लेकिन कवि प्रसाद जी का कहना है कि फिर भी आप जो प्रेमचंद जी ने उनसे लिखने का आग्रह किया था, इसलिए उन्हीं को संबोधित करके कह रहे हैं कि फिर भी आप ऐसा कह रहे हो कि मैं अपने ऊपर बीती हुई दुर्बलताएं कमजोरियां आपसे कह दूं, क्योंकि कोई भी इसको सुन करके सुख नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी गागर, मेरे जीवन रूपी घड़ा खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझे, और कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने को ही मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाला समझो, मेरा रसले अपनी भरने वाला, मेरे जीवन का रसले करके मेरा रसले अपनी भरने वाले। तो देखो इसका बहुत गहरा अर्थ है बेटा, कि अगर कवि एक रचना लिखता है तो उस रचना को अनेक पाठक, अनेक लोगों तक वो रचना जाती है, सब पढ़ते हैं और पढ़ करके उस काव्य का, उस साहित्य का आनंद लेते हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं उनका रस, उनका आनंद लेकर के अपनी भरने वाले तुम अपने को कहीं ऐसा ना समझो, क्योंकि रस जैसे किसी के विषय, जीवन के विषय में पढ़ा जाता है तो उसमें एक आनंद आता है कि इसके जीवन में क्या खट्टा मीठा अच्छा बुरा हुआ है। तो उसी तरह से कवि का कहना है कि अगर मैं फिर भी अपनी कमजोरी कहूँ दूँ तो कहीं आपको ऐसा न लगे कि आप ही मेरे जीवन का रस लेकर के, मेरे जीवन की कथा का आनंद लेकर के अपनी भरने वाले अपने को ही समझो। अतः कवि जो हैं आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे हैं। तो पूरा बेटा लाक्षणिक अर्थ में लिखा गया है ये, अभी इतना ही आप समझिए, फिर अगला वीडियो देखिए नीचे, अगला काव्यांश देखने के लिए इसका अगला वीडियो आप देखिए।